Hello students, welcome to Shorab Sir's classes. Today I am going to talk about a topic on reactive intermediate, that is carbocation. So first of all, what is carbocation? Carbocation is a species which contains vacant orbital or positive charge or carbon atom. So here octet is not filled up because 2, 2, 2, 6 electron. So it's a electron deficient species. So it very much reactive species. So there are lots of electronic reaction regarding this. So now we are coming step by step how this is coming. First, I am going to discuss about how you can form these carbocations. So forming these carbocations is the most important step is heterolytic fission. So what is heterolytic means? One will be positive and other will be negative. So this kind of heterolytic fission will give rise to the carbocation. So heterolytic fission, how can this occur? This can be occurred by, if there is a group like this and it is this heterolytic fission can be occurred by the number one is solvolysis. So what is solvolysis? You can take this kind of an alkyl halide. So in water medium, aqueous medium, this breaks down as solvent pair. So it is forming the carbocation. This is a procedure. And the second one is use of Lewis acid. Lewis acid is that but this salt must be anhydrous, otherwise the water will react with this and there will be formation of this kind of reaction is possible. इसी टाइप का रिएक्शन और एक आता है एसिलेशन में, एसिल कार्बोकेटन भी बन सकता है HCl3, वो क्या करता है CH3 CO प्लस HCl4 माइनस, है कि नहीं? ये वाला और एक टाइप का रिएक्शन दे सकता है. और एक रिएक्शन होता है कि हम लोगों का ये रिएक्शन प्रोसेस होता है क्योंकि AgBr का स्टेबल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी डन यूजुअली. और भी देयर आर सम रिएक्शंस. ये तो हेटेरोलाइटिक फिशन का जो प्रोसीड्योर है वो है. और कोई कोई प्रोसीड्योर होता है जहां पे क्या होता है, ग्रुप जो है वो निकल जाता है कोई एडिशन की वजह से. तो हम लोग उसका भी एग्जांपल देखते हैं. अगर कोई भी अल्कोहल हो तो वो क्या करेगा, उसमें अगर हम लोग एसिड देंगे तो ROH2+ ये बना देगा. ये क्या करेगा, ये जल्दी से निकल के वाटर निकल जाएगा ये मीडियम से तो R पॉजिटिव दे देगा. और किस टाइप का ये रिएक्शन हो सकता है? और रिएक्शन हो सकता है जहां पे ये RNH2 टाइप का कोई ग्रुप है वहां पे भी हम लोग अगर
ये क्या करेगा, तो इसी टाइप का एक रिएक्शन दे देगा, तो ये टाइप का रिएक्शन देगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला आठ प्लस देगा और NH2Me ये फॉर्म हो जाएगा। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप मेकिंग। तो अगर लिविंग ग्रुप हो रहा है तो लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप इधर प्रिपेयर हो रहा है वो लिविंग ग्रुप इस ये साइड से बाहर निकल जा रहा है, इसी टाइप को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप मेकिंग। और लिविंग ग्रुप मेकिंग का रिएक्शन आता है जो फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। डायजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, CH2 ये वाला N2 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बोकेशन फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला कार्बोकेशन ये भी बहुत स्टेबल है कार्बोकेशन है, और हम लोग जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन जिसको बोलते हैं वो भी फॉर्मेशन हो सकता है कुछ कुछ जगह पे, कि ये वाला कार्बोकेशन स्टेबल है क्योंकि ये वाला एक कार्बोकेशन फॉर्म होता है, ये स्टेबल इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर दे देता है। इसी टाइप से अगर कोई फॉर्मेशन कार्बोकेशन फॉर्म होता है, कोई कार्बोकेशन स्टेबिलाइज बन जाता है, तो वो कार्बोकेशन ये है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन इस टाइप का कार्बोकेशन भी हम लोगों का कार्बोकेशन के फॉर्मेशन के टाइम बन सकता है। देखते हैं कार्बोकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। कार्बोकेशन का स्ट्रक्चर होता है प्लैनर और ये है पीजेड ऑर्बिटल और ये सारा है sp2। तो कार्बन का स्टेबिलिटी और कार्बन का जो स्टेबिलिटी मतलब रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबिलिटी आता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यही ग्रुप में ट्रांसफर होता है, इसीलिए कार्बोकेशन स्टेबल हो जाता है। तो और इधर है तीन ग्रुप, ये हो गया कार्बोकेशन का स्ट्रक्चर। तो कार्बोकेशन का ज्योमेट्री क्या है, प्लैनर। अभी कार्बोकेशन का अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबिलिटी कौन कौन चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी चार टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर टू रेजोनेंस, नंबर थ्री एरोमेटिसिटी एंड नंबर फोर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट वहां से आता है. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इधर कार्बोकेटायन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम. सो कोई अगर वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा या फिर वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा तो वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होगा. डिस्पर्स करने से के लिए कोई नेगेटिव ग्रुप का होना जरूरी है जो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकता है. तो अगर उस टाइप का कोई ग्रुप होगा तो कार्बन स्टेबिलाईज होगा. तो इस टाइप का ग्रुप प्लाजा इफेक्ट की वजह से होगा. तो प्लाजा इफेक्ट कहाँ आएगा? एल्किल ग्रुप. तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है इसमें तीन एल्किल ग्रुप है, तीनों अपना इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर दे रहा है. तो क्या हो, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादातर से नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसीलिए ये हो जाएगा स्टेबल. अभी इससे अगर हम लोग एक एक करके हम लोग मिथाइल को निकाल लेते हैं तो क्या होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल. सो अगर हम लोग एक एक करके ग्रुप को निकालेंगे तो क्या होगा, एक एक करके जो इसका प्लाजा इफेक्ट है वो प्लाजा टोटल प्लाजा इफेक्ट विल बी डिक्रीज. सो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन मिथाइल. दिस स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय हाइपर कंजुगेशन. लेट फर्स्ट डिस्कस इट दैट इफ आई टुक मॉलिक्यूल, ये बहुत जल्दी सीएल माइनस को निकाल के ये वाला स्ट्रक्चर दे देता है. तो ये क्या है, साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल कटन. तो ये साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटन ये वाला अपना स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन. तो 4n+2 और प्लैनर मतलब ये एरोमेटिक है. और एक एग्जांपल आता है जहां पे
ये वाला, ये क्या करेगा, 2 पाई मतलब 4n पाई, n इक्वल टू 0, सो 2 पाई स्ट्रक्चर दे रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेबल है, प्लैनर है, ये एडियाबेटिक स्ट्रक्चर है, तो एडियाबेटिसिटी जहां पे गेन होगा वहां पे कार्बोकेशन स्टेबलाइजेशन होगा। और सेकेंडरी चीज ये है कि लास्ट है, ये गया, ये गया और ये गया, अभी बचा रहेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब तो ये क्या करेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर में ऐसे ये वाला चार्ज घूमेगा, तो ये वाला चार्ज घूमेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और भी एलाइलिक सिस्टम जो है उसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है। तो आसपास में कोई भी डिलोकलाइजेशन हो, कोई भी एडवेटिसिटी गेन करने का और कोई इंडक्टिव इफेक्ट हो तो ये ग्रुप स्टेबिलाईज हो जाता है। अभी देखना पड़ेगा कि ये किस किस टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। पहले हम लोग देखते हैं ये कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। मैकेनिज्म जो जो फॉलो करेगा वही हम लोगों का बाद में जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करके आएगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म पे। फर्स्ट कार्बोकेशन जो रिएक्शन फॉलो करता है वो है एसएनआर, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस टाइप का कोई एटम है वो क्या करेगा, एक्वस मीडियम में ऐसे ब्रेक करेगा, और अभी न्यूक्ली ये अटैक करके R3CNU ये बना देगा। तो ये वाला रिएक्शन कहां पे जा रहा है, ये फर्स्ट स्टेप में इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन हो रहा है, मतलब ये वाला रिएक्शन, ये वाला मैकेनिज्म कार्बोकेशन फॉलो करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत बेसिक रिएक्शन है ये। और एक बेसिक रिएक्शन आता है, और ये SNR किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेशन, इसीलिए मैंने टर्शियरी लिखा। अभी और एक आता है उसी टाइप का, ये है ईयर, इसका मैकेनिज्म भी सेम ही है, इधर क्या होगा, इधर भी सॉरी स्टेप का स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्टेप में सीएल माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, मैं इधर ही लिख देती हूँ, इधर ये वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाला कार्बोकेशन फॉर्म होगा। तो ये वाला कार्बोकेशन क्या करेगा, एक H प्लस निकल के फाइनल स्ट्रक्चर दे देगा, है कि नहीं।
मेकानिज्म में ये पूरा वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर फॉलो हो रहा है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है एलिमिनेशन का, वो था सब्स्टिट्यूशन का और ये है एलिमिनेशन का। और किस टाइप का मेकानिज्म देता है? कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट देता है। रीअरेंजमेंट मतलब रीअरेंजमेंट कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे वो अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी है तो टर्शियरी और कोई स्टेबल स्ट्रक्चर देने की वजह से रीअरेंज भी कार्बोकेशन के अंदर पॉसिबल है। तो और ग्रुप माइग्रेशन ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या है, अगर हम लोगों ने एक ये वाला कार्बोकेशन दिया, तो ये वाला कार्बोकेशन क्या करेगा, ये प्राइमरी है लेकिन ये वाला कार्बोकेशन से ये इधर चला जाएगा, तो फाइनली इधर क्या बनेगा, है कि नहीं, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि इधर माइग्रेशन ऑफ द एल्किल ग्रुप हो रहा है, हो गया ये स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन कार्बोकेशन के थ्रू पॉसिबल करता है। एल्काइलेशन और एसिडाइजेशन, ठीक है, फ्रीडेंस का एल्काइलेशन और एसिडाइजेशन के वजह से क्या है कि इधर फर्स्ट क्या होगा, मैंने अगर आरसीएल के बारे में लिखा तो एएलसीएल थ्री दिया, उसमें क्या होगा 8+ AlCl4-, वो क्या करेगा, वो ये हो गया एक कार्बोकेशन। अब वो कार्बोकेशन क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो इंटरमीडिएट में क्या होगा, इंटरमीडिएट में भी एक कार्बोकेशन का फॉर्म होगा। तो ये वाला रिएक्शन दो दो कार्बोकेशन फॉर्म कर रहा है, तो कार्बोकेशन फॉर्मेशन इधर फिजिबल है। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखेंगे इसका, अगर एसिडाइजेशन के बारे में देखने, तो एसिडाइजेशन कैसे होगा, एसिडाइजेशन मतलब आर COCl, वो उसमें है AlCl3, अभी वो क्या देगा RCO+ AlCl4-, है कि नहीं, तो ये वाला देगा, ये वाला भी, ये वाला खुद कार्बोकेशन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो ये वाला भी कार्बोकेशन ही है। तो इधर RCO+ अगर रिएक्ट करेगा तो फिर से उसी टाइप का एक कार्बोकेशन फॉर्म होगा HCRO। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला कार्बोकेशन भी हो रहा है और ये वाला कार्बोकेशन भी हो रहा है, तो दो कार्बोकेशन फॉर्म इधर हो रहा है।
रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोल एंड रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें भी कार्बोकेशन का फॉर्मेशन होता है। तो इधर इसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोल। इसमें अगर हम लोग क्या देंगे, एसिड देंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। तो प्रोटॉन अटैच होने के बाद वो क्या करेगा, एक्सक्यूज मी, तो वो ये वाला इधर से निकल जाएगा विद द बॉन्ड पेयर। तो अभी क्या फॉर्म होगा, इधर अभी इधर फॉर्म होगा एक पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली ये देख के लगता है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है लगता है, क्योंकि ये एक 3 डिग्री कार्बोकेशन है। लेकिन फिर भी ये वाला स्ट्रक्चर में रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या रिएक्शन होता है, ये वाला इधर अटैक करता है, ये वाला अगर इधर अटैक करेगा तो क्या होता है, ये ग्रुप जाके इधर अटैक कर देता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी एक हाइड्रोजन ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोलोन। तो ये हो गया हम लोगों का पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये कार्बोकेशन इन्वॉल्वमेंट इसमें भी निकलता है, ये कार्बोकेशन इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इस रिएक्शन का बहुत सारा टाइप होता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने और एक रिएक्शन ले सकते हैं कि इस वाले का ऐसा एक ले लिया, इधर एक पीएच है, रिएक्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो इधर कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा फॉर्म करेगा, ये वाला, क्योंकि रिएक्शन में जो रिंग में है, रिंग में कार्बोकेशन फॉर्मेशन स्टेबलाइज नहीं है, इसीलिए ये वाला अटैक करेगा और अपना कार्बोकेशन दे देगा। ये है OH, PH। तो अभी क्या होगा, अभी ये वाला ग्रुप अटैक करेगा, तो ये वाला ग्रुप अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा।
तो हम लोगों का क्या फॉर्म होगा? एक सेवन मेंबर ट्री। तो उससे पहले मैंने जो बोला कि देयर इज रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक से मर देयर फॉर कार्बोकेटल, सो वो वाला फॉर्मेशन इधर दिख रहा है, ये हो गया रिंग एक्सपेंशन। सो इसी तरह से कार्बोकेटल बहुत सारे मैकेनिज्म देता है। कार्बोकेटन का और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इस ये रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन में क्रिटोन ग्रुप एस्टर में ट्रांसफर होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। ये है हम लोगों का बेंजोफिनॉल, इस पे हम लोगों ने दिया MCBBA। तो MCBBA तो एसिड है, तो अभी क्या होगा, अभी डबल बॉन्ड OH प्लस होगा। लेकिन डबल बॉन्ड OH प्लस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी क्या होगा, अभी ये OH बन जाएगा और उसके बाद इधर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज में क्या अटैक करेगा, MCBBA अटैक कर देगा। तो ये अगर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये वाला इधर आके अटैक कर देगा, है कि नहीं। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो दिखने में ऐसा है, पीएच पीएच ओएच और ये है ऑक्सीजन और ये ग्रुप। तो अभी ये फिर से बैक अटैक करेगा, ये बैक अटैक करेगा तो ये वाला ग्रुप इधर जाके अटैक कर देगा, तो ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये एसिड है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हम लोगों का, फाइनल प्रोडक्ट होगा ओ पीएच। तो ये क्या होगा, बेयर विलीजर में कीटोन टू एस्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसमें भी कार्बोकैटायन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये वाला रिएक्शन भी कार्बोकैटायन में जरूरी है। और एक चीज है, वो है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, अभी बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है, अगर हम लोगों के पास ये ऑक्सीम टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है तो इसमें हम लोग एच प्लस और पीसीएल3 कुछ भी डालेंगे तो ये क्या करेगा,
एन प्लस दे देगा क्योंकि ये OH2 प्लस होकर निकल जाएगा। तो इसी में से जो ट्रांस वाला ग्रुप है, ट्रांस वाला ग्रुप क्या करेगा, इधर जाकर अटैक कर देगा। तो अटैक करने में क्या होगा, ये अगर इधर अटैक कर देगा तो यहां पे 8 डैश रह गया इन H और R। तो अभी क्या होगा, अभी इधर आके क्या करेगा, ऑक्सीजन वाटर तो है इस मीडियम में, OH बना देगा। तो OH बाद में आके एमाइड बना देगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर होगा हो रहा है। ये वाला रिएक्शन भी कार्बोकैटायन को इन्वॉल्व करता है क्योंकि और इधर कार्बोकैटायन बहुत लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है क्योंकि वो sp2 कार्बोकैटायन है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो कार्बोकैटायन बहुत लेस स्टेबल है। लेकिन ये वाला रिएक्शन भी कार्बोकैटायन के थ्रू ही प्रोसीड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हम लोगों का पूरा कार्बोकैटायन का जो जो टॉपिक आता है, तो कार्बोकैटायन हम लोगों ने पूरा कर लिया। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन का क्वेश्चन कैसे आता है और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इधर तीन कार्बोकैटायन दिया, ये तीन कार्बोकैटायन लिया। अभी हम लोगों को बोलना पड़ेगा इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में देखें तो पहले ही मैं बोल रही हूँ कि ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद ये वाला स्टेबल है क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये वाला उससे भी स्टेबल है। ये वाला सबसे कम स्टेबल है क्योंकि ये तो एक sp3 कार्बन है, नो रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन पॉसिबिलिटी इज देयर, मोर ओवर इट्स अ ब्रिजेड कार्बोकैटायन। ब्रिजेड कार्बोकैटायन तो वेरी वेरी मच लेस स्टेबल। ये तो अभी ये तीनों का हम लोगों ने बोल दिया और अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि between these two which one will give ethanol reaction more faster, तो अभी ethanol मतलब first step में क्या होगा, rate determining step is the carbocation formation। तो इधर से क्या carbocation form होगा, ये वाला, और इधर से तो इसका stability ज्यादा है इसलिए क्योंकि ये 2π electron है और planar है, तो इसका मतलब इसमें aromaticity आ गया। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर जहां बनेगा तो वहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, तो दिस रिएक्शन विल बी फास्टर कंपैरिजन टू दिस। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन आता है,
दोनों में कौन ज्यादा फास्टर सॉल्वोलिसिस देगा। तो सॉल्वोलिसिस के लिए भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ये वाला, और इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ये। तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, लेकिन ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो क्या करेगा, वो इधर जाके अटैक करके ये स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी दे देगा। तो ये वाला अगर कार्बोकेटायन हो गया तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनेगा जहां पे ये 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 और उसी टाइप का और एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, बट इट विल गेट स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस फ्रॉम दिस साइड। सो ये वाला स्ट्रक्चर स्पीड से सॉल्वोलिसिस देगा। सो स्टूडेंट्स ये हो गया, ये हम लोगों का पूरा जो कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर है ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अभी इसका एप्लीकेशन सीएसआई या नेट और आईआईटी जैम के डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग विद अस।